सूरदास जी का भाव है और बहुत सुंदर है। ऐसा भाव है कि भैया श्री कीर्ति मैया, वैसे तो किशोरी जी हमारी इतनी सुकोमला हैं, सदा सखीन के मध्य में रहें, सब सहचरी सेवा करें, लेकिन आज कीर्ति मैया किशोरी जी से ऐसे ही केवल दिखाने के भाव से, समाज को दिखे उस भाव से किशोरी जी से कहती हैं, लाली अब धीरे धीरे घर के कामकाज भी सीखो, आने चाहिए। अब लेकिन कामकाज सिखा में तो हैं कीर्ति मैया, लेकिन ये ललिता विशाखा आदि सब सखी ऐसी हैं, कछु करन ना दें किशोरी जी को। लेकिन आज किशोरी जी हट करके बैठी हैं कि नहीं, आज मैया जो कार्य कहेगी हम जरूर करेंगे। और मैया ने कार्य कह दियो है, बोले लाली आज एक काम कर, गौशाला में जाके गैया को दूध काढ़ के ला। और किशोरी जी आज गैया को दूध दोहे में जा रहे हैं, इतनी सुंदर लीला है। अच्छा, आजकल तो गौशालाओं में गायों को बांध देते हैं, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। किशोरी जी को देख करके गैया के भी मन में भाव आया, हो या लीला को और बढ़िया संवरण कियो जाए। तो किशोरी जी तो जैसे ही दूध दोहे में बैठी हैं, अत्यंत सुकोमला, अत्यंत सुकुमारी किशोरी जी के हस्त कमल को स्पर्श पाकर के गाय मन में विचार करने लगी, श्रम है जाएगा श्री जी को, या काम में तो एक ही निपुण है नंद नंदन, वही तो करवाएंगी। तो गैया वहां से भागी, अब पीछे पीछे श्री जी भाग रही हैं, ललिता विशाखा भाग रही हैं गैया को पकड़वे को। इतने में ही सघन कुंज में सामने नंद नंदन दिखाई दिए हैं। नंद नंदन ने जैसे ही देखो सोई किशोरी चिल्ला के बोली, अरे नेक मेरी गैया को पकड़ो, दूध दोहनो है, अरे नेक याकू पकड़ लियो। इतने में ही ठाकुर जी ने महाराज अपने सुंदर पराक्रम से वह गैया को पकड़ लियो। और गैया को पकड़ के बोले, कहो श्री जी कहाँ सेवा करें आपकी। बोले आज मैया ने हमको सेवा दी है कि जाओ गैया को दूध दोहे के लाओ। हम दूध दोहे में आई हैं, लेकिन ये गैया रुके ही नहीं रही है। ठाकुर जी बोले, दूध दोहना आवे तुम पे। बोलो क्यों नहीं आवे, नेक दोहे के दिखाओ। अब जैसे ही श्री जी फिर छुवे बैठी, गैया फिर भागने लगी। तब ठाकुर जी कह रहे, देखो हम दोहे के दिखाएं आपको, गैया को दूध कैसे दोहो जाए। और वही भाव को श्री सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, अति सुंदर। सब लोग गाओ। कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन लिए रहत हो कनक दोहनी, लिए रहत हो कनक दोहनी, लिए रहत हो कनक दोहनी, लिए बैठत हो अध पैया तुम पे, बैठत हो पैया, बैठत हो अध पैया तुम पे, बैठत कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया।
एक्सक्यूज मी मिस, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये जगह कहाँ पड़ेगी? ओ इन दैट डिस्टा इन फेरियो இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டா போய் லெஃப்ட் எடுத்தாக்கா அங்க ஒரு குறுக்கு சந்தி வரும். அங்க மூணாவது ரைட் எடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போய் லெஃப்ட் எடுத்தேன்னா ஒரு பெரியவர் சூட் போட்ட சிலை இருக்கும். புரியுதா? அதுக்கு எதற்குதா இந்த பில்டிங்? ஓகே. இசிலியே க்ரோ கஸ்டமர் சப்போர்ட் அப் தேதா ஹை ஆப்கி. अति रस काम प्रीत जाने के अति रस काम प्रीत जाने की आवत खरिक दुहैया तुम पे आवत किशोरी जी कह रही हैं तुम पे कौन गैया दुहावे को तुम्हारे लक्षण गैया दुहावे वारे तो लगना रहे हैं। ठाकुर जी बोले क्यों हम या जन्म के नहीं हम तो जन्म जन्मांतर के ग्वाला हैं हमसे भैया गड़िया गैया कौन दुहे सके। बोले कनक सोने की बाल्टी हाथ में लेकर के और अध पहिया आधे आधे घुटने पे बैठ गए और कह रहे हो गैया दुहावे आई है हम सब जाने तुम्हारी बातन ने तुम ये गैया वैया चरावे ना आओ सघन कुंज में। ठाकुर जी बोले तो फिर क्यों आवे हम? बोले हम जैसे सुंदर नई नवेली गोपीन को देखवे के काजे आओ तुम तुम्हारी सब बातन ने जाने हम यशोदा मैया और नंद बाबा के आगे कोई बहानो चाहिए या हमारे गैयान को बहानो बना के आओ कि गैया चरावे जा रहा हूं तुम्हारी सब करतूतन ने जाने या जन्म वन में आके सघन कुंज में आके गोपीन को ताड़ो आप तो। ठाकुर जी बोले अरे ऐसी कैसी बात कर दी। मधुमंगल श्रीदामा बोले लाला ये तो बड़ी हमारी तोही नहीं रही है कछु करके दिखा। बोले कहा करके दिखाऊं गैया गैया दूध दोहे के दिखा ने कैसे दोह जाए या कुछ दिखा तो सही। ठाकुर जी बैठ गए सोने की बाल्टी है नीचे धरी है गैया भी आनंद ले रही है आज आनंद आवेगो ठाकुर जी की और किशोरी जी की मधुर लीला चल रही है और ठाकुर जी दूध दोहे रहे हैं। अब दूध दोह तो नहीं अब थोड़ी देर तो दूध काटते काटते बाल्टी में जावे लेकिन जैसे श्री जी सामने आवे सो दूध की बाल्टी से वो धार अलग हटके नीचे जमीन पे गिरन लग गए। अब किशोरी जी और सब गोपी मुंह पे हाथ धर के ऐसे में देखो ये दूध काटनो आवे इन पे आधो दूध तो नीचे फैला दियो। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं इत चितवत उत धार चलावत इत चितवत उत धार चलावत इत चितवत उत धार चलावत इत चितवत उत धार चलावत। अरे लाला तेरो ध्यान कहीं और है और धार कहीं और कुछ चला रहो है। यही सिखायो मैया तो है यही सिखायो मैया तो है यही सिखायो मैया तो है यही सिखायो मैया तुम पे कौन गैया तुम पे कौन दुहावे गैया तुम पे कौन दुहावे गैया तुम पे कौन दुहावे गैया। सब सखी और किशोरी जी कह रही यही सिखाया तुम्हारी मैया ने। ठाकुर जी बोले का है गो? बोले नीचे देखो ठाकुर जी का चित्त वृत्ति तो किशोरी जी में ही लगी भैया। अब भले ही प्रकट करके दिखा रहे हैं कि भैया देखो मुंह पे कितनो आवे लेकिन जहां जहां किशोरी जी घूम रही हैं वहीं वहीं ठाकुर जी को ध्यान जा रहा है और वह कारण से दोहे तो रहे लेकिन बाल्टी की जगह नीचे गिर रहा है सब रो यही सिखाया हो तुम्हारी मैया ने। किशोरी जी खींचन लगी
मेरी गैया को सबरो दूध फैला दियो, कीर्ति मैया ने कही कनक बाल्टी भर के लियो, और या कौन के पल्ले लियाई मैं गैया को सबरो दूध नीचे फैला दियो। ठाकुर जी बोले, मेरी मैया ने गैया दोहिनो सिखायो कि नहीं सिखायो, लेकिन तेरी मैया ने कहा सिखायो ये मुकू पतो है। किशोरी जी बोली, कहा सिखायो मेरी मैया ने? सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, सूरदास प्रभु झगरोसी क्यों, सूरदास प्रभु झगरोसी क्यों, सूरदास प्रभु झगरोसी क्यों, तेरी मैया ने तो को गुस्सा कर वो सिखाया है। ठाकुर जी बोले, तुम्हारी मैया ने तो तुमको गुस्सा करवो सिखायो। इतने में मधुमंगल पूछो, लाला गुस्सा भी ऐसो वैसो ना कर रही है तो कैसो कर रही है? बोले, ज्यो घर खसम गुसैया तो पे, ज्यो घर खसम गुसैया। लाला, जैसे घर के खसमते बाकी घरवारी रूठे ना, बातें लड़े काहे, ऐसी श्री जी तोते लड़ रही है। हाँ बोले, हाँ यही बात सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो श्री जी और सब सखी बोली, इन दारी के इनको काउ देना हाथ दिखानो पड़ेगा, कछु तो कछु भाव निकालें। कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया, सरकार की। ऐसी ऐसी लीला हमारे ब्रज की है। सब सखा और सब सखी भी वामे रस को वर्धन करें, विक्षेप ना करें। लाला, श्री जी तो तोपे ऐसे गुस्सा करें, बुरो मत मानियो, जैसे कोई खसम पे वाकी घरवारी गुस्सा करे। हमें तो ऐसा लगा ये अधिकार मान चुकी हैं। सब सखी ललिता विशाखा पीछे डंडा लेके भागी, बोले भाई बताएं, ज्यादा संबंध बना रहो है हमारी श्री जी या कार्य कलूटे को खसम मानेंगी अपनो? जैसे तैसे लड़ते झगड़ते हुए ठाकुर जी ने आधी बाल्टी दूध भर दिया। अब श्री जी को तो ले जाके कीर्ति मैया को देना था, देखो हमने दूध काढ़ो है। अब जैसे ही दूध काढ़ो, काढ़ करके अब दूध पूरा है गयो, गैया चली गई, दूध के झागन को ठाकुर जी बढ़िया मिला रहे हैं। वाह देख, कहा बढ़िया दूध निकालो। श्री जी बोले, लाओ चलो अब दे दो। ठाकुर जी बोले, नहीं मिलेगो, ये तो हमने निकालो है, हमारे सब ग्वाल बाल भूखे हैं, हम भूखे हैं, हमारे सब बंदर भूखे हैं, हम पीवेंगे या को? ललिता विशाखा क्रोध करने लगी, बोले अभी बताए तो को पीवेगो दूध, अपने घर को गैया को पी, हमारी गैया को काई को पी रहो है? ठाकुर जी बोले, निकारो कौन ने, निकारो हमने तो हम पीमेंगे, और ये हमारे सखा सबरे बेचारे सुबह तो भूखे प्याजे दूध पीमेंगे, बढ़िया बढ़िया काढ़ो हमने। अब तो किशोरी जी चरणन में बैठ गई, बोले भैया अब यहाँ लड़वे तो काम नहीं चलेगो, नेक थोड़ी सी अपनी लाज जाए तो कोई बात ना, नेक माफी मांग लो, क्षमा मांग लो। और दोहनी नहीं देत करते हरी, हा हा करी पैर पाए। किशोरी जी चरणन में गिर के हा हा कर रही हैं, बोले भैया हमारी दोहिनी दे दे, मैया को दिखानो है ले जा करके। और जैसे ही श्री जी प्रार्थना कर रही हैं कि हमारी दोहिनी दे दो, सो ठाकुर जी को और आनंद आ रहा है, बोले अच्छा श्री जी चाहिए? बोले हाँ, एक बार और हा हा करो। श्री जी फिर कह रही हैं, भैया तेरे हाथ जोड़ रही हैं, जो तू कहेगो सो करेंगे, हमारी दोहिनी दे दे, मैया को जाके दिखानो है। तब खूब परेशान करके, खूब श्री जी को श्रमित करा के, तब अंत में ठाकुर जी ने दोहिनी प्रदान करी है। ऐसे हमारे दोहिनी गाय दोहन लीला हमारे ब्रज में भई है, ठाकुर जी की और श्री जी की। मैया को जाकर के श्री जी ने प्रदान कर दिया, बोले लो हमने दूध निकारो। आज कीर्ति मैया ने खूब नजर उतारी है, बलैया लई है, बोले जय हो हमारी श्यामा जू ने आज पहली बार दुग्ध निकारो। महाराज
पूरे बरसाने में एक एक बूंद भर दूध की बांटी गई है। क्यों? श्री जी ने दूध निकारो है। लेकिन असलियत तो सब जानने कौन ने निकारो, हमारे लाला निकार के लाए हैं। ऐसी मधुर भाव से सूरदास जी ठाकुर जी की मधुर लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। बंधुओं, ये परस्पर जो प्रेम भाव है ना, ये केवल हम आप सबको उस रस का केवल एक बिंदु चखाने के लिए श्री जी और ठाकुर जी करते हैं।